चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे, घर में कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आलोक मौर्या ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था सर। हमें धमकी सर अभी तो चार दिन पहले ज्योति मौर्या ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच तलाक का मामला चल रहा है, जिसमें आज पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई हुई, जिसमें आलोक मौर्य तो पहुंचे लेकिन SDM ज्योति मौर्य नहीं पहुंची। ज्योति मौर्य के वकील ने हाजिरी माफी की कोर्ट में अर्जी दी, जबकि आलोक कुमार मौर्य पारिवारिक अदालत में पेश हुए। आलोक मौर्य के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल वाद की कॉपी मांगी है। कुछ भी नहीं हुआ है, आज हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला है कि वाद की कॉपी ये हमें प्रोवाइड कराएं और उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे, जिसमें कोर्ट ने हमको 18 अगस्त का टाइम दिया है, इसके बीच में हमको वाद की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे। क्या है आप लोग, क्या दलील है इस मामले में? नहीं, दलील क्या है, वो पिटीशन उन्होंने फाइल किया है, जब वो हमको कॉपी मिलेगी तब तो हम जवाब लगाएंगे ना, वाद तो उनका है, तो आप पहले पढ़ें तो क्या उन्होंने दाखिल किया है, तो उसके बाद जवाब लगाया जाएगा। उनकी तरफ से अभी तो कोई आया नहीं था, या उनके वकील आके डेट लिख गए हों जो इसकी भी जानकारी नहीं, वो तो कोर्ट में जानकारी होगी। हम लोग अपना पक्ष रख रहा था, हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया, हमको डेट मिल गई है, अब आगे। उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों पति पत्नी का आज प्रयागराज के पारिवारिक कोर्ट में आमना सामना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पिछले कुछ दिनों से दोनों का पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बीच आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे और ज्योति मौर्य ने उन आरोपों का खंडन किया था। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगाए। ज्योति मौर्य ने आलोक कुमार मौर्य से अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। PCS अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच संबंधों में दरार आ गई थी। पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे, तो वहीं ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मामला धूमनगंज थाने में दर्ज कराया था। दोनों के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।